ऑस्ट्रेलिया ने गिरा दिया है 151 पे 5 विकेट। दूसरे दिन का खेल बहुत ही ज्यादा सर्वनाक रहा टीम इंडिया के लिए। टीम इंडिया दूसरे दिन के खेल में ऑस्ट्रेलिया को तो पहले ऑल आउट कर दिया, लेकिन बारी अपनी आई बैटिंग करने की तो ना तो रोहित, ना तो गिल और ना पुजारा ना कोहली। अब कैसे जीत सकती है टीम इंडिया बताएंगे आप लोगों को इस वीडियो में। अगर टीम इंडिया को अभी भी मैच में बने रहना है तो सबसे पहले काम क्या करना होगा बात कर लेते हैं उसकी। तो बात कर लेते हैं कि अगर अभी भी टीम में बने रहना है तो भारत और रहाणे को टिक के खेलना होगा और कोशिश करनी होगी कि ज्यादा से ज्यादा लमसम 200 रन की पार्टनरशिप तो हो ही हो, जैसे कि काम ऑस्ट्रेलिया ने बहुत ही अच्छे से किया था। तो अगर टीम इंडिया को ये मैच में बने रहना है तो विकेट नहीं गिराना होगा और ज्यादा से ज्यादा कोशिश करनी होगी कि ये दोनों प्लेयर ज्यादा से ज्यादा टाइम। बात कर लेते हैं दूसरे की, तो दूसरे में बात यह है कि आज का जो दिन होगा, जो शुरू होगा मैच, उसमें कोशिश करना होगा कि विकेट ना दें और आराम से खेलें और रन बनाने की कोशिश आराम से करें, क्योंकि अगर यहां पे एक विकेट और गिर गया तो फिर टीम इंडिया पूरी तरीके से बाहर हो जाएगा। अगर 200 रन रहते टीम इंडिया ऑल आउट हो गया तो फॉलोइंग आ जाएगा तो ऑस्ट्रेलिया बैटिंग करने नहीं आएगा, वो बोल देगा कि फिर से आप लोग बैटिंग करने आ सकते हैं। उसमें क्या होगा कि फिर फॉलोइंग बचाने के चक्कर में आप लोगों को दोबारा रन बनाने पड़ेंगे और कहीं ऐसा ना हो कि दोबारा बनाते बनाते इसी में दो बार टीम इंडिया मैच को खेल जाए। तो क्या लगता है आपको कौन सी टीम जीतेगी बताएं हमारी इस वीडियो में कमेंट करके। अगर आप लोग भी हैं टीम इंडिया के सपोर्टर तो हमारी इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।